नमस्कार दोस्तों, भूपेन्द्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंतजार शिक्षक भर्ती और अन्य शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हम आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में योग्यता में बदलाव, बीएड बीटीसी छात्रों के बहुत बड़ी खुशखबरी कि 90,000 पदों पर प्राइमरी माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती इसी महाविज्ञापन, छात्रों की हुई जीत योगी सरकार और 9,000 शिक्षक भर्ती की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ। इस विभाग में 55,000 पदों का विज्ञापन इसी माह होगा जारी। दोस्तों, इन सभी न्यूज की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आप सभी के सामने वैसे ही लेकर आते हैं। दोस्तों, आप सबको बता चलें कि कल जो रिट के एग्जाम का सिलेबस जारी हुआ है उसमें बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है कि वो उन्होंने बताया कि जो बीएड है वो फर्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल नहीं है। आप सभी देख रहे हैं कि रिट पर सरकार का अहम फैसला कि बीएड डिग्री धारक नहीं दे सकते लेवल एक फर्स्ट का इसमें एग्जाम और 11 जनवरी से भरे जाएंगे, इसमें आवेदन आएंगे कि उन्होंने माना है कि जो बीएड है बीएड के लिए और अन्य भर्तियों में मौके दिए जाते हैं किंतु कि बीटीसी और डीएलएड जो अभ्यर्थी होते हैं केवल उनको प्राइमरी में मौका दिया जाता है, तो इस वजह से बीएड को वहां से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, किंतु आप सबको बता चलें कि बीएड प्राइमरी से बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एनसीटी के अनुसार बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया है। जब तक एनसीटी बीएड को बाहर नहीं करेगी कोई भी राज्य सरकार बीएड को बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि केवीएस और डीएसबी जो भी और अन्य जो भर्ती बोर्ड हैं एग्जाम कराते हैं बीएड को शामिल इसमें कर रहे हैं। जब तक एनसीटी लागू रखेगी तब तक ही बीएड इसमें शामिल रहेगा, अन्यथा कोई भी सरकार इसे बाहर नहीं कर सकती। और वहीं बात करें 90,000 पदों को लेकर, 90,000 पदों की न्यूज़ आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आप सभी देख पा रहे हैं कि बेसिक माध्यमिक 90,000 पदों पर होगी भर्ती कि चुनाव समर का आगाज हो चुका है। राजनीतिक दल जहाँ नई जमीन बनाने लगे हैं तो राज्य सरकार भी अपने वादों को पूरा करने में तेजी जुट गई है। युवाओं की निगाहें भर्ती पर हैं। नए साल में सिर्फ बेसिक और माध्यमिक विभाग में लगभग 90,000 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें से कुछ तो 6 महीने पूरी हो जाएंगी, लेकिन इस वर्ग की सबसे बड़ी भर्ती माध्यमिक शिक्षा सहायता प्राप्त स्कूलों में 15,508 एलटी ग्रेड और प्रवक्ता पदों पर होनी है। इसके लिए विज्ञापन भी इसी माह जारी किया जाएगा, मतलब इसी माह आप सभी का विज्ञापन आना है, क्योंकि रात दिन रोजाना रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है कि माध्यमिक पर भी और बेसिक पर भी, तो इस वजह से आप सभी का जो विज्ञापन है वो भी इसी माह देखने के लिए मिलेगा। और वहीं बात कर दिव्यांग ने आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने का भीख मांग जताया विरोध कि आप सभी जानते हैं कि दिव्यांगों का मामला अभी तक सुलझा नहीं है कि उनको 4% का आरक्षण दिया जाने का प्रावधान है, किंतु उनको 4% का आरक्षण नहीं दिया है। वो काफ़ी समय से पीएनपी पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बेसिक परिषद पर 9,000 सहायक भर्ती की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने मांग पूरी होते नहीं दिख रही है। देख सोमवार को भीख मांग कर दिव्यांग ने विरोध जताया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि 14 दिसंबर को जारी धरने में सोमवार को 22 दिन हो गए हैं। 22 दिन में सचिव शिक्षा परिषद अपने कार्यालय पर धरने पर बैठे दिव्यांग मांग सुनने नहीं आए हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सचिव शिक्षा बेसिक परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से आंदोलन शुरुआत दौरान के मांगों को महानिदेशक स्कूल के पास भेजा था, इनके आवेदन पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि सचिव बेसिक परिषद कभी भी कार्यालय पर बैठते नहीं है और उनके पास अपनी शिकायत लेकर जाए। भीख मांग का विरोध करने वाले उपेंद्र मिश्रा, धनराज कुमार यादव अन्य अभ्यर्थी भी शामिल थे। और वहीं बात करें शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थी अपनी मांग पर भी अड़े हुए हैं। परिषद दलों में 9,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों का सोमवार को जीआईसी निषादगंज में खेल के मैदान में अंतर जारी रहा। और वहीं दूसरी तरफ दिव्यांग अभ्यर्थियों ने मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अंतर बैठे अभ्यर्थियों में आवेदन समय त्रुटि को सुधारने का मौका देने और मूल अभिलेख के आधार पर उनको नियुक्ति पद देने की मांग कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा प्राप्त अंक और मेल और फीमेल में गड़बड़ी वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। अंतर बैठे अभ्यर्थी सौरभ विकास और सभी ने इस पक्ष का उचित नहीं ठहराया है और आंदोलन का उग्र होगा यदि दूसरी तरफ दिव्यांग अभ्यर्थी ने बताया कि विभाग द्वारा दिव्यांग आरक्षण नियमावली में आरपीडब्ल्यू एक्ट के तहत 2016 का पालन भी नहीं किया गया और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और वहीं बात करें पहले भी जारी हुआ था शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, कितने पदों पर हुई थी भर्ती
कि सरकारी स्कूलों में लगभग 11,000 की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और राज्य के इंटर कॉलेज में लगभग 11,000 पद पर, और राज्य के इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 1400 और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में 15,508 और माध्यमिक और एडिट में लगभग 5,000 लिपिक के पद और एडिट स्कूल में लगभग 5,000 पदों के पद इसमें भरे जाने हैं। दोस्तों ये थी न्यूज़ जो हम आपके सामने लेकर, प्लीज़ जो भाई बहन चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। भूपेंद्र सिंह।